Welcome first semester. Today we'll be doing objectives over advertisement. Yesterday we did about the advantages and advantages or definition and the importance of advertisement. So the main objective is it must emphasize how the product satisfies the basic desire the consumer has expressed. Nowadays we see that COVID-19 jo hai wo bahut matlab obviously that is a hot thing hot topic main jo concern hai to hum apne advertisements mein if you realize ki you see a change ye lux soap hamesha se ek beauty soap raha hai but wo uske sath link karne ke liye they saying ki ye germs ko kill karta hai ye karta hai so hum dekhte hain ki kyunki koi bhi aisi cheez because now consumer wants something ki wo मेजर चीज़ है कि हम ऐसी चीज़ें करें कि हम कोविड से दूर हैं तो जब जो एडवर्टीज़मेंट हो रही है वो उसके साथ ज़्यादा लिंक्ड हो रही हैं क्यों ताकि वो उस कंज्यूमर की रियल डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकें सो मेजर ऑब्जेक्टिव भी एडवर्टीज़मेंट का यही होता है कि जो भी कंज्यूमर की डिज़ायर उसके उनकी एडवर्टीज़मेंट ऐसी हो कि जो प्रोडक्ट है वो उनकी उस चीज़ को सेटिस्फाई कर सके कंज्यूमर की It must accomplish the above objectives in such a manner that the advertising product stand out as a distinctive one from the completed प्रोडक्ट ठीक है ना कि मतलब वो स्टैंड आउट करे एडवर्टीजमेंट यही होता है कि वो हर लिहाज से स्टैंड आउट करे और इतनी अच्छी हो कि कंज्यूमर कहे कि येस दिस इज़ द वन विच आई हैव टू बाय क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली एक ही चीज़ एक ही अगर सोप है तो कई तरह के सोप्स की एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं अगर आप कोई भी चीज़ है वॉशिंग पाउडर है तो कितनी वॉशिंग पाउडर की आप देखते हैं बट एवरी एडवर्टीजमेंट हैव समथिंग डिफरेंट इतना कोई एक ऐसा डिफरेंट पहलू देते हैं एंड दे बिलीव कि हम ऐसा दें ताकि कंज्यूमर कहे कि येस दिस इज़ वन जो हमारी बेसिकली चीज़ को कहता है एंड वी शुड बाय इट सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स